Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 2 of rational number. Now today, we are going to start revision number of second chapter. Chapter number 2, linear equations in one variable, in which we discuss revision 1. ठीक है, तो हम रिवीजन 1 करवाएंगे. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं. वो हम आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको कॉपी में करना है कंप्लीट. ठीक है, समझा देते हैं हम आपको सारे क्वेश्चंस एक बार. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग. ए, 2y + 3 = -17. तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व करके, तो आंसर यहाँ पे आएगा -10. तो कैसे करेंगे इसको, आपको आप जानते होंगे इसको कैसे करना है. तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 2y + 3 है, तो पहले ये +3 इस साइड है, तो उस वक्त हम दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा. तो पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो 2y = -17 और -3 सॉल्व कर लीजिएगा. और फिर 2 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा -10. ठीक है, बी पार्ट देखिए, 17 - 4p = 12. तो देखिए, इसको किस तरीके से करेंगे आप, या तो आप 17 पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा नेगेटिव नहीं है, आगे पॉजिटिव है. ठीक है, साइन हमेशा नंबर के आगे होती है. तो देखिए, 17 पॉजिटिव है, नेक्स्ट साइड मूव करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करके फिर -4 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. इस तरीके से कर सकते हैं, या तो सबसे ईजी तरीका ये होता है, अगर वेरिएबल नेगेटिव है, अगर वेरिएबल नेगेटिव है हमेशा उसको ट्रांसपोज कर दिया नेक्स्ट साइड और ये नंबर इस साइड ले आइए. तो 12 पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और -4p है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव. इससे क्या होता है ना कि हमारा गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर आप वेरिएबल को पॉजिटिव कर लें तो. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको. 4p आप उस साइड ले आइए. देखिए, इस तरीके से हम बता देते हैं, 4p को हम इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे और 12 को इस साइड, तो हो जाएगा 17 - 12 = 4p. सॉल्व कर लीजिएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड. ठीक है, सी पार्ट देखिए, 7x - 8 = 2x - 18. ठीक है, तो देखिए दोनों साइड वेरिएबल है, दोनों साइड कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो 2 को आप उधर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, 7x उधर ही रहेगा, 2x उधर जाएगा. ठीक है, -18 इधर ही रहेगा. ठीक है, -8 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे. ठीक है, कर लेंगे आप इसको, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको -2 मिल जाएगा. ध्यान रखिएगा -18 यहीं लिखिएगा पहले, फिर -8 उसके पीछे पॉजिटिव 8 हो जाएगा तो उसको पीछे लिखिएगा, वहीं गलती होती है. नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, x/3 + 1/4 = x/2 - 1/5. अगेन देखिए, ये मत करिएगा आप 3 को इधर कर दे 4 को इधर कर दे, ये नहीं होगा. ये देखिए, पूरा नंबर ऐसे लिखा हुआ है. तो वेरिएबल को सबसे पहले एक साइड लाइए, कांस्टेंट को एक साइड, तो क्या हो जाएगा, x/3 - x/2 = यहाँ पे -1/5 है और ये पॉजिटिव है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4. ये इस साइड आ गया, वो उस साइड चला गया. अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों साइड एलसीएम लीजिएगा. 3 और 2 दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो एलसीएम 6 ही होगा. 5 और 4 में भी कोई कनेक्शन नहीं, तो एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा. तो इसको सॉल्व करिएगा आप, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव दोनों में रिजल्ट. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, 6 आया एलसीएम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 2 से होगा 2x, यहाँ 3 से होगा तो ऊपर भी 3 से होगा 3x. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका -2x - 3x है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, 1x आएगा, मतलब x आएगा, लेकिन 3 देखिए यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, तो -x/6 है. बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में x/6 लिख देंगे, इधर भी वही कर देंगे गलती. ठीक है, फिर 6 देखिए यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल कर दीजिएगा दोनों साइड, 6 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 27/10. ठीक है, आगे देखिए ई पार्ट. ई है 3 - 3 = 5 × 2t - 1. तो देखिए, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन t से भी और 3 का मल्टीप्लिकेशन -3 से भी, 5 का मल्टीप्लिकेशन 2t से भी, 5 का मल्टीप्लिकेशन -1 से, तो 3 × t, तो 3t -
थ्री इंटू थ्री नाइन, ठीक है, ऐसे इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, फिर वेरिएबल एक साइड, कॉन्स्टेंट एक साइड, ठीक है, सॉल्व करेगा आपको आंसर मिल जाएगा नेगेटिव फोर अपॉन सेवन। जब इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो आपको सीधे इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा वेरिएबल एक साइड और कॉन्स्टेंट एक साइड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एफ टू एक्स अपॉन थ्री प्लस सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री, तो सबसे अच्छा क्या होगा, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट एक साइड, तो टू एक्स अपॉन थ्री माइनस सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू, थ्री पहले से इधर ही है, वन उधर लाएंगे माइनस वन, तो इधर एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, एलसीएम कितना आएगा, थ्री और फिफ्टीन, थ्री और फिफ्टीन दोनों किसके टेबल में आते हैं, सबसे पहले फिफ्टीन के टेबल में, ठीक है, तो फिफ्टीन इसका एलसीएम होगा, सॉल्व करिएगा, फिर क्या करिएगा, लाइक यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आपको अच्छा बताते हैं, देखिए फिफ्टीन आया तो हो जाएगा यहाँ फाइव मल्टीप्लाई टेन एक्स माइनस सेवन एक्स इक्वल टू टू, तो आएगा थ्री एक्स अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू टू, तो थ्री को आप फिफ्टीन से वैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर रिड्यूस नहीं करना है तो थ्री अपॉन फिफ्टीन उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो फिफ्टीन अपॉन थ्री आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, या तो थ्री को फिफ्टीन से रिड्यूस कर दीजिएगा, फाइव आएगा तो फाइव उधर जाएगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा टेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन टू, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ वन बाई टू फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई वन बाई टू यू गेट वन अपॉन एट, वॉट इज द नंबर, कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसमें से हम वन बाई टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आया उसमें वन बाई टू मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला, वन बाई एट मिला, तो बताना है कि वो नंबर कौन सा था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, यही करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो लेट द नंबर बी एक्स, ये तो होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बने, वहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, तो क्या बनेगी इक्वेशन, सबसे बोला है, पहले बोला है कि उस नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना, उस नंबर में से फ्रॉम, देखिए नंबर के पहले लिखा है, तो एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है, फिर रिजल्ट को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, रिजल्ट जो आया उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें टू टर्म्स है तो ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, और रिजल्ट हमें क्या मिला, वन बाई एट, ठीक है, ये हो गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा आप, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट लगा है ना और फिर हाफ मल्टीप्लाई हुआ है, या तो आप ये हाफ को उधर ले जाइए, टू अपॉन वन हो जाएगा, काट दीजिए, फिर माइनस वन बाई टू को उस साइड मूव करिए, इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हाफ को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हाफ इंटू एक्स, तो एक्स अपॉन टू, हाफ इंटू हाफ, वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई फोर इक्वल टू वन बाई एट, फिर सॉल्व करिए उसको नॉर्मली, उस तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका है इसको करने का, चाहे जिस तरीके से करिए, चाहे इसको मूव करिए या इसको पहले सॉल्व कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है। क्या करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आएगा एक्स बाई टू माइनस वन बाई फोर इक्वल टू वन बाई एट, ठीक है, फिर वन बाई फोर उधर शिफ्ट करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर उधर मल्टीप्लाई में ले जाइएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाय 2 एंड ऐड 2 बाय 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट नेगेटिव 7 अपॉन 2, व्हाट इज द नंबर, एक रैशनल नंबर है उसमें जब हम 5 बाय 2 मल्टीप्लाई किए उसके बाद 2 बाय 3 ऐड किए तो हमें नेगेटिव 7 बाय 2 मिला, तो बताना है कि वो नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, वो आप लिख लीजिएगा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगी, एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर हमने क्या लिया एक्स, उसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ 5 बाई टू, ठीक, रिजल्ट उसमें रिजल्ट में हमने क्या ऐड किया 2 बाई थ्री और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है नेगेटिव 7 अपॉन 2, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा 5x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू नेगेटिव 7 अपॉन 2। अब क्या करिएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद 5x अपॉन 2 इक्वल टू समथिंग आएगा, उसके बाद 5 बाई टू इस साइड डिवाइड में, 5 बाई टू इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट पूरा रेसिप्रोकल कर दिया कर, इधर 5 बाई टू है तो उस साइड 2 बाई 5 होगा, लाइक जैसे लिखा है क्वेश्चन 2x अपॉन 3 इक्वल टू नेगेटिव 7 अपॉन 2, ये क्वेश्चन मान लीजिए तो क्या होगा x इक्वल टू नेगेटिव 7 अपॉन 2
इन टू, इधर टू बाई थ्री है, उधर टू अपॉन थ्री अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लिया करिए, जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, द वेरिएबल सॉरी द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो देखिए क्वेश्चन में पहले लिखा है पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, लाइक ये रेक्टेंगल है, ठीक है ये रेक्टेंगल है, इसके पूरे मतलब ऑल फोर साइड्स का जो सम है वो कितना है 154। तो ध्यान रखिए पैरीमीटर और एरिया हमें इसीलिए दिया रहता है कि कुछ ना कुछ अननोन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए लिखा है यहाँ पे इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जितना ब्रेथ है उसका ट्वाइस करेंगे और उसमें 2 मीटर मोर करेंगे तब लेंथ आएगा, मतलब लेंथ पूरी तरीके से ब्रेथ पे डिपेंड है। तो हमें किसे एक्स लेना पड़ेगा, वेरिएबल किसे लेट करना पड़ेगा, ब्रेथ को। ठीक है, यहाँ पे लेट करेंगे हम क्या, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल लिख सकते हैं, तो रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं सिर्फ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, मीटर लिखना चाहते हैं मीटर भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा फिर, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस मीन्स 2x, उसमें 2 मीटर मोर, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, और दोनों किस पे डिपेंड है, एक्स की वैल्यू पे, पहले एक्स लाना पड़ेगा ना, तब तो दोनों की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे दिया है पैरीमीटर कितना है 154, पैरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, दो चारों ऐड होगा तो आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इक्वल टू 154 मीटर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 154। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगा लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 2 और ब्रेथ हो जाएगा x, यहाँ पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 154। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो जब सॉल्व करिएगा तो देखिए 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x प्लस 2, फिर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25। तो देखिए अगर x की वैल्यू 25 है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, हैंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 25, इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 25 प्लस 2, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस रिवीजन का फिफ्थ, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। तो देखिए रेशियो दिया रहता तो हमेशा हम ऐसे ही करते हैं 5x और 7x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, तो अरुण की राहुल की एज को हम लेट करेंगे 5x और हरुण की एज को हम लेट करेंगे 7x। 4 years later, चार साल के बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, राहुल की थी 5x तो 5x प्लस 4 और हरुण की एज कितनी है 7x तो 7x प्लस 4, दोनों की एज का सम कितना है 56 ईयर्स है, तो बताना है कि प्रेजेंट की एज क्या होगी, मतलब अभी की एज क्या थी, तो हम लेट करेंगे क्योंकि ये अभी की एज दिया हुआ है ये। ठीक है, तो लेट क्या करेंगे, हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो क्या लेट करेंगे आप, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल या तो ऐसे लिख सकते हैं राहुल्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी क्या हो जाएगा 5x
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x ईयर्स, एंड लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण बी 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली, वर्ड वहाँ यूज होता है, हमने ऐसे लिख दिया। चलिए इसको कंटिन्यू कर देते हैं। प्रेजेंट ऑफ राहुल हो गया 5x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ हरुण बी 7x ईयर्स, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण बी 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब राहुल का पहला वाला है, हरुण का दूसरा वाला, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब लिखा है 4 ईयर्स लेटर, इतना पढ़ते ही पहले आप चार साल के बाद की दोनों की एज लिख लीजिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स लेटर, तो द एज ऑफ राहुल विल बी, आगे का बोल रहा है तो विल बी वर्ड यूज होगा, द एज ऑफ राहुल विल बी कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 ईयर्स, ठीक है। और द एज ऑफ हरुण, द एज ऑफ हरुण विल बी 7x प्लस 4 ईयर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का सम कितना है, 50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, तो सम ऑफ एजेस इक्वल टू 56 ईयर्स, या तो डायरेक्ट इक्वेशन बना लीजिएगा आप, दोनों की एज का सम 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4, दोनों का मिला के कितना हो रहा है 56। सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पहले वेरिएबल ऐड कर लीजिएगा, कॉन्स्टेंट फिर सॉल्व कर लीजिएगा ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4, फिर आप लास्ट में लिखिएगा हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो क्या हो जाएगा 5 × 4 20 ईयर्स, फिर प्रेजेंट एज ऑफ हरुण 7 × 4 28 ईयर्स, यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आप कॉपी में से कंप्लीट कर लीजिएगा, सॉल्व करने वाले 6 क्वेश्चन हैं और स्टेटमेंट वाले 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिवीजन में आगे रिवीजन हम करवाएंगे इस चैप्टर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।